गाय को चेक करो यार, किस तरीके से मतलब बिल्कुल बेली लग रहा है, मुझे मार ही नहीं रहा ये। और ये देखिए, और आगे जाके थोड़े से देखते हैं भाई, गाय वाय दिखती भी है क्या। ये देखो 20,000 रुपये के कह रहे हैं। और ये नीचे बछड़ी है 2-3 महीने की, और 3 लीटर दूध। मैंने इस वाली मुर्गी की पेट छोड़ दी और इस वाली के भी छोड़ दिए, अभी इन दोनों को नीचे छोड़ते हैं और आपको इनका शौक कराते हैं। और आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताना कि भाई ये प्योर रस्सी लेके नहीं प्योर। तो दोस्तों अभी दोस्तों हम दोनों की हो चुकी है सुलह, और ये जो रस्सी लेके आए, इस वाली रस्सी से हम लेने जा रहे हैं गाय। अब देखते हैं हमें अच्छी तरीके से गाय मिलते कि नहीं। अगर गाय का मतलब बच्चा मिलेगा तो वो ले आएंगे, और अगर बड़ी दूध वाली गाय मिलेगी तो दूध वाली गाय लेंगे। और देखो कौन सी लेनी है। और आज तो मुझे लेनी है कोई ना कोई सी जर्सी गाय या फिर देसी गाय जो कि बहुत अच्छी दिखती हो, क्योंकि मेरे पापा ने बोला है कि गाय तो अपने घर पर चाहिए ही सही। तो आज तो हम लेकर ही आएंगे गाय। तो दोस्तों बात तो भी सही है यार, गाय तो घर पे रखनी चाहिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाय को लेने के लिए, और अब इसने तो हमारे सारे कबूतर उड़ा दिए, उनको पकड़ के आया, मुझे बाजार में सेल करने के लिए जाना था। तो ये तो नहीं हो पाएगा, अब इनको अगले संडे या फिर किसी को एक एक दो दो करके बेचने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वहाँ पर, और फिर आपको वहाँ पर डायरेक्ट मिलते हैं, और देखते हैं भाई हमें गाय या फिर कुछ मुर्गी मुर्गी या फिर कुछ और नया कबूतर वगैरह कुछ मिलते भी हैं कि नहीं। चलो अभी दोस्तों जा रहे हैं हम संडे मार्केट में, देखते हैं हमें आगे कुछ गाय वगैरह बकरी या फिर कुछ और नया पेट मिलता है तो आज जरूर लेकर आएंगे, जरूर ले जाएंगे। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं वहाँ पेट मार्केट, और आप हमारी मुर्गियाँ, तो मुर्गियाँ मुझे पसंद तो आ रही थी, पर इस वाली मुर्गी देखिए झगड़ा झगड़ा के किस तरीके से इसको गंजा कर दिया है, या फिर इन्होंने खुद ने कर दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे कबूतर है, इससे मुझे कुछ लेना देना था नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा मार्केट घुमा देता हूँ। देखिए भाई ये मुर्गा मुझे पसंद आया था, पर इसके 700 रुपये बोल रहे थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा लगा। मैंने कहा भाई 400 रुपये में देना हो तो दे सकता है। और ये वाली मुर्गी मुझे पसंद आई थी, पर इसके 400 रुपये बोले थे, 350 में देने थे। और ये मुर्गी देखिए तीनों किस तरीके से एक जैसे लग रहे हैं भाई। और ये देखिए बाकी सारा ये रहे, और ये बतख देखिए, बतख भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रेट बता रहे थे, बच्चों के 500-500 और बड़े वाले के 2500 रुपये। बदक के बच्चा रही तो बच्चा दे देंगे, बच्चे दे दोगे कितने कितने में दोगे बच्चे का नहीं बड़े कितने कई बात कर दिया था मैं, सेम बदक थी मतलब ली के गया मैं 700 रुपये जोड़। तो दोस्तों अभी लिए हमने 2 असील मुर्गी लिए, इसको आपको घर पे जाके दिखाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा मस्त है, मतलब 90% प्योर है, और बाकी भाई थोड़े बहुत मिक्स में। और अभी यहाँ पर देखिए आराम से भाई कोई सी गाय भाई पसंद करते हैं, और देखिए सब मतलब जो दूध नहीं देती वो गाय है, तो अगर ये पसंद आएगी तो ये। और इस वाली गाय को चेक करो यार, किस तरीके से मतलब बिल्कुल बेली लग रहा है, मुझे मार ही नहीं रहा है। और ये देखिए, और आगे जाके थोड़े से देखते हैं भाई, गाय वाई दिखती भी है क्या। ये देखो 20,000 रुपये के कह रहे हैं, और ये नीचे बछड़ी है 2-3 महीने की, और 3 लीटर दूध। हाँ ये कह रहे हैं नहीं 2 महीना की नहीं भी, हाँ 2 महीना की। अरे यार एक बात बोलो भाई, ये देखो भाई ये केड़ी, इस टाइप में थोड़ी बहुत केड़ी वड़ी लेनी है। कितने बोल रहे भैया? 15 दिन काट रहे हैं। हाँ पैसा कितना बोल रहे हैं? 16,000। दूध कितना निकाल देगा? 2 लीटर 16,000। और देखो भाई यहाँ सब छोटे छोटे गाय बैल बंधे हुए हैं। हाँ देसी गाय, क्यों कितनी खतरनाक है भाई साहब, मजा नहीं ना मुंडी इस तरफ नहीं कर रहे, उस तरफ से देखेंगे, खतरनाक नहीं है भाई साहब। देखिए सारी एक से बढ़ती है गाय, मत कर मुंडी ला रहे हो पीछे, उधर से उस तरफ नहीं लगा ना। तुम्हारी भी है? कितने बोल रहा है? 15। कितना दूध निकाल देगी? जनी अभी नहीं, जनी है कि नहीं? केड़ा है? केड़ा है, केड़ी केड़ी केड़ी। एक थन बंद है नहीं इसका? नहीं चारों है। कितने बोल रहा? 15। वही क्यों सफ़ेद बच्चा? हाँ सफ़ेद के लाल, तो वो नहीं सीमन गले डल गया वैसे पूछा है। कितने बोल रहे हो वो तो देख, ये देखो ये भाई आराम से देखिए वो दूध निकाल के बता रहे हैं, उनकी चेक करते हैं, सिर्फ रेट पूछेंगे भाई, यहाँ पे महंगी काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं, हमसे ले भाई की तो नहीं। कितना बोल रहे हो? कितना बोल रहे? कितना बोल रहे? कितना दूध देगा नीचे? 5-4 किलो। नीचे का ये बछड़ो बछड़ी हाँ वाइट कर दे, ये वाली भी तुम्हारी है? इसका कितना बोल रहा है? उसके 32। इसके नीचे? इसके नीचे बछड़ी। और दूध? 3.5 किलो। बहुत गरीब है। देखिए भाई साहब मंडी में आज गाय का फायदा आई है, पर हमको जम नहीं दे, वो रेट का फायदा बोल रहे हैं। अभी चलते हैं भाई, गाय तो नहीं मिलती, अब इधर से घर निकलते हैं। अभी दोस्तों आया मैं फार्म हाउस पर, और मुझे यार वहाँ पे गाय तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन रेट इतना ज़्यादा बोल रहे थे कि मेरे बजट के बाहर जा रही थी। तो मैंने अभी एक भाई से बात करी है, वो गौशाला से मुझे गाय लगी, मतलब वहाँ पे जो गौशाला में
जो थोड़ी बहुत सस्ती मुझे मिल जाएगी और अच्छी गाय पालने लायक, तो दोस्तों उनको लेके आएंगे। और अभी मैं लेके आया हूँ असील की मुर्गियाँ, और अब अभी आप मुझे बताना कि भाई ये प्योर असील है या नहीं है। निकाल दो बाहर, एक को बाहर निकाल, एक को बाहर निकालते हैं। तो देखिए गाय हमें ये वहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि हमने बिना सोचे समझे ही लिया है। देखिए इसको ऐसे पकड़ सीधी। तो दोस्तों आप एक बार कमेंट में जरूर बताना कि भाई ये प्योर असील भी है कि नहीं। ये देखिए आप, मुझे मतलब 90% लग रही है ये देखो। हाँ ये अब देखिए इसकी गर्दन और इसके पाँव भी छिकरा। अभी दोस्तों इसको मतलब अभी तो दोस्तों हमारे देश को जो छोटी रहती है इसको कोथली बोलते हैं। तो आप एक बार जरूर बताना कि भाई ये प्योर असील में कि नहीं। और अभी इसके पंख पैर नहीं छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि जो नई मुर्गी है ये भाग भी सकती है। तो अभी ये और एक और बाहर निकालते हैं। और दोस्तों दोनों जो है जेड ब्लैक में, पूरी ब्लैक है, पूरी फुल ब्लैक असील। और अभी मैं क्या करूँगा, इनके भाई एक एक पंख बांध के इनको अंदर रख देंगे ताकि ये बाहर नहीं भागे। ये देखिए, और इसको भी नीचे छोड़ते हैं आप। दोस्तों देखिए कितनी ज्यादा बड़ी है इसकी गर्दन, तो उससे भी बड़ी हुई। ये देखिए, और अभी तो दोस्तों बच्ची जाइए। और अगर आप असील में सिर्फ हमको मुर्गा लेकर आना। ये देखिए कितनी ज्यादा छोटी मुर्गी है पर बड़ी कितनी ज्यादा लग रही है। मैंने इस वाली मुर्गी के पेट छोड़ दिए और इस वाली के भी छोड़ दिए। अभी इन दोनों को नीचे छोड़ते हैं और आपको इनका सोक कराते हैं। और आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताना कि भाई ये प्योर असील है कि नहीं। प्योर तो दोस्तों नहीं, लेकिन ये मतलब असील है भी कि नहीं, वो जिससे लेकर आओ कह रहा था भाई असील है। आप इनको छोड़ते हैं। ये देखिए भाई, ये थोड़ा सा उड़ा के ये लो। हाँ इसको भी थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों दोनों को छोड़ दिया नीचे, और अब इनको आप चेक करें भाई, थोड़ी सी खड़ी होगी ना तो बिल्कुल प्योर असली लगेगी। दोस्तों अभी डालते हैं इनको दाना और देखते हैं भाई दाना खाती भी है कि नहीं। ये देखिए अभी दोस्तों इनको दाना यहाँ पे डाल देते हैं और पानी भी डाल देंगे। ये देखिए आओ 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 आओ। एक जो हमारी मुर्गी है वो खाने भी लग चुकी है। ये देखिए भाई साहब, ये वाली जो है खाने भी लग गया। और दोस्तों अब मेन असील डर रही है ये। अभी तो दोस्तों ये जो है बच्ची ही है, मतलब ये छोटी छोटी है। और आप इनके मतलब हाइट चेक कर सकते हैं भाई, कितने ज़्यादा हाइट है इनकी। और अभी तो सिर्फ छोटी है, मतलब कि देखिए जो मतलब मुर्गी की बच्चे आवाज़ करते हैं ना, कों 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 कुछ इस टाइप से आवाज़ कर रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई कितने ज़्यादा छोटी है। और जब ये बड़ी होंगी तब तो बहुत ही ज़्यादा मजे आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी असील मुर्गियाँ कैसी लगी, और मुझे गाय लानी भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप जगह देखिए, मैंने जब भी सोच के बनाया था तो भाई गाय रखने के लिए भी बनाया था। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना भाई ये प्योर असील है कि नहीं, और मुझे नई गाय लेके आनी चाहिए कि नहीं। तो आज के व्लॉग को दोस्तों करते हैं यहाँ पे खत्म। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।